अभी तक मोदी जी और मणिपुर सरकार सेम बिरेन अभी तक यहाँ पर जिरीबाम पर एक दिन भी नहीं आए थे। राहुल गांधी जी यहाँ आकर हम लोग के बारे में कैसे चल रहा है, बच्चा लोग को भी पढ़ाई कैसे चल रहा है, और डॉक्टर पुलिस क्या क्या कमी है सब पूछती है। हम लोग का घर भी सब जला दिया, हम लोग के पास वेपन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग ना घर नहीं है, अपना जमीन नहीं है, अभी वो लोग आराम से घूम रहा है। कोई हम लोग को मदद के लिए चिल्ला रहा है, कोई हम लोग को मदद नहीं कर रहा है, वो लोग सुन क्यों नहीं रहा है? हम लोग को क्या कोई प्यार नहीं है? राहुल गांधी आए जे उससे पहले हम उसके नमस्कार करना चाहते है, क्योंकि वो हम लोग की तकलीफ देख कर आ रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर जो समस्या उसने दिया है, आगे जाके वो होगा कि नहीं होगा हम लोग को भी परेशान हो रहा है, क्योंकि उसने बोला है कि आगे में हम ऊपर जाने के लिए कोशिश करेंगे बोला है। तो ऊपर जाने के लिए हम लोग की मदद भी चाहिए, तो उन लोग का मदद भी चाहिए हम लोग को, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो रह रहा है हम लोग वो तकलीफ बोलने से तो कम हो गया, तकलीफ तो कम चीज है। अभी हम लोग यहाँ पर रह रहे अभी कहाँ, इस महीना से नहीं उस महीना से नहीं, हम गया हुआ साल से हम लोग वहाँ दौड़ रहा है। अभी अपना घर नहीं है, अपना जमीन नहीं है, अभी वो लोग आराम से घूम रहा है। अभी चाहता क्या है वो लोग हम लोग के पास से, वही तो पूछ रहा है, हाँ वही तो हम पूछ रहा है। अभी हम लोग का बड़ा लड़का उधर अंदर फंसा हुआ है, मेरा पति वहाँ पर फंसा हुआ है, हम लोग यहाँ पर बैठा हुआ है। अभी वो लोग वहाँ से निकल नहीं सक रहे, हम लोग उधर जा नहीं सक रहे, कोई हम लोग को मदद के लिए चिल्ला रहा है, कोई हम लोग को मदद नहीं कर रहा है, कर क्या रहा है वही तो हम लोग को भी समझ नहीं आ रहा है। हम लोग के मिनिस्टर कर क्या रहा है, वो लोग सुन क्यों नहीं रहा है? हम लोग को क्या कोई प्यार नहीं है? खाली वो लोग की मदद के लिए हम लोग कितना दिन रहेगा यहाँ पर? हम लोग को प्यार करना चाहिए, हम लोग भी उन लोगों के साथ प्यार कर रहा है, क्योंकि वो कभी कभी हम लोग को मदद करने के लिए आवाज तो उठाना चाहिए। तो आवाज नहीं होने से तो हम लोग की जिंदगी चलेगा कैसे? हम लोग आम का जैसा बज रहा है ऐसे आम ही है हम लोग तो। हम लोग की जिंदगी क्या है? मर जाने से भी कोई बात नहीं है, मर जाओ ऐसा सोच के बैठा हुआ है क्या? बच्चा लोग इतना छोटा छोटा है, फैसिलिटी उन लोग का कुछ भी नहीं है, उन लोग का जिंदगी कैसा चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, राहुल जी ने बताया कि हम लोग को समस्या जल्द से जल्द खत्म करेगा, और वो कह रहा है कि जहाँ पर वो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर से पुलिस ज्यादा हो और सिक्योरिटी ज्यादा हो, वही बोला है। और आगे भी वो आगे जाएगा, आगे में मदद लेगा ऐसा पूछा बोला है। हम लोग यहाँ पर एक महीना पार हो चुकी है, वो राहुल गांधी सर राहुल गांधी यहाँ पर आए हम लोग को मिलने के लिए, यहाँ का तकलीफ पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक मोदी जी और मणिपुर सरकार सेम बिरेन अभी तक यहाँ पर जिरीबाम पर एक दिन भी नहीं आए थे, हम लोग बहुत अफसोस है। और राहुल गांधी जी यहाँ आकर हम लोग के बारे में कैसे चल रहा है, बच्चा लोग को भी पढ़ाई कैसे चल रहा है, और डॉक्टर पुलिस क्या क्या कमी है सब पूछती है। हम लोग भी बता चुकी है कि यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा वो पुलिस स्टेशन में पुलिसमैन रहना चाहिए, उससे भी कम है। यहाँ पर सिक्योरिटी ज्यादा नहीं चाहिए हम लोग को, जब चाहिए फिर वो कमी फिलअप करना चाहिए। पुलिस स्टेशन में कितना पर्सन रहना चाहिए पुलिसमैन, फास्ट उसको फिलअप करना चाहिए, उसके बाद सिक्योरिटी ज्यादा यहाँ पर रखना चाहिए जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में। और हम लोग के घर सब जला चुका है, मेन लमताई खुनो बरोबिका सब डिवीजन में हुआ है, हाँ मेन अभी भी वहाँ पर लोग, मेरा पति और छोटा सा बच्चा भी है, औरत भी है, और निकल नहीं पा रहा है यहाँ पर जो कुकी मिलिटेंट है तो गुम रहा है।
सराउंडिंग में घूम रहा है, हमारा गांव के सराउंडिंग में घूम रहा है। हम लोग घर होके भी वहां पर गांव होके भी निकल नहीं पा रहा है, गांव से निकल नहीं पा रहा है, दिक्कत में रह रहा है। एक कैसा नया है हम लोग का घर से बाहर नहीं निकल सक रहा है, कुकी मिर्चन दो घूम रहा है, बाजार घूम रहा है, उनका जो चाहे वो कर रहा है। हम लोग का घर चला के वो खुशी से रह रहा है। अभी तक कुम्बिंग ऑपरेशन नहीं किया है वहाँ पर कुम्बिंग ऑपरेशन नहीं किया है, वो उल्टा घर जला दिया जगह पर जाने के लिए सोच रहा है। वहाँ पर बम होगा क्या, गन होगा, ऐसा सोच के कुम्बिंग ऑपरेशन करने के लिए भी वो सोच रहा है। एक क्या न्याय है, हम लोग का घर भी सब जला दिया, हम लोग के पास वेपन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग हाँ नॉर्मल लाइफ जी रहा है वहाँ पर।